मेरे वेबिनार में किसी ने मुझसे पूछा कि हर्ष टेल मी द मोनोपोली कंपनीज इन आर कंट्री, मैं उन पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, स्मार्ट मूव। तो आई थॉट यार अब उनको बताया ये है तो आपको भी बताते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा टॉप 5 कंपनीज इन आर कंट्री जिन पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो मार्केट्स में लिस्टेड हैं एंड दे आर कंप्लीट मोनोपोलीज। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock market. आज मोनोपोलीज के बारे में बात करने वाले हैं, मोनोपोली बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, मोनोपोली होता क्या है? आपको पता है तभी भी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मोनोपोली बिजनेस वो होता है जो उस मार्केट का डोमिनेंट प्लेयर होता है, उसका मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट शेयर होता है और वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है इन दैट मार्केट। डिमांड सप्लाई को वो ही कंट्रोल कर पाता है, ठीक। तो जैसे आप देखोगे इन US Walmart, Walmart became a very big monopoly जहाँ पे रिटेल को वो ओन करने लग गया था, इसलिए US की बहुत सारी स्टेट्स ने उस मोनोपोलिस्ट को हटाने के लिए Walmart को हटाया। क्यों? गवर्नमेंट के हिसाब से ना एक मोनोपोली अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर एक बिजनेस मोनोपोली में आ जाता ना फिर वो बिजनेस उस सेक्टर को मिस रूल करता है, ठीक है, अपने एडवांटेजेस के लिए। कोई है ही नहीं, प्राइसेस बढ़ा दो, देनी पड़ेंगी। कोई और अगर प्लेयर आता है तो वो प्लेयर तो छोटा ही होगा क्योंकि उतना बड़ा बिजनेस बन गया, तो मोनोपोली क्या करेगा, अपनी प्राइसेस हाफ कर देगा और ये बिजनेस तो कहीं ना कभी खत्म हो जाएगा, बिकॉज दिस मोनोपोली हैज डीप पॉकेट्स एंड देन दिस विल सस्टेन। तो दिस इज हाउ मोनोपोली बिजनेसेस आर। फॉर द कंज्यूमर आर दे गुड? नो। फॉर द गवर्नमेंट इज इट गुड? नो। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि कभी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन ना हो जाए। अगर आपको याद हो जो जियो का जब प्राइस आते प्राइसेस फ्री हो गए हैं तो ट्राई एंड इंटरवीन क्या बोला कि आपको मिनिमम प्राइस इतना रखना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं ऑफर कर सकते, सो दैट वोडाफोन आइडिया एयरटेल वगैरह ये खत्म ना हो जाए। ये खत्म जाती है जियो अकेले बच जाती तो मोनोपोली हो जाती है एंड अगेन माई मार्केट कुड बी मिसगाइडेड, राइट। गवर्नमेंट के लिए अच्छा है? नहीं। कस्टमर के लिए अच्छा है? नहीं। बट देखो हम तो इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टर्स के मोनोपोली बिजनेसेस बेस्ट होते हैं, तो आ जाओ। सो सबसे पहले नंबर पे आती है IEX। अब IEX है ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है और जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। टू बी ऑनेस्ट जब मैंने इसके बिजनेस के बारे में पढ़ा ना मुझे भी काफ़ी रिसर्च करना पड़ी टू अंडरस्टैंड का बिजनेस करता क्या। सो बेसिकली अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट से जो पढ़ाऊँ करते क्या है, IEX is India's first largest energy exchange providing automated trading platform for physical delivery of electricity. है ना confusing? कोई नहीं, इसको easy करते हैं। Basically, अब चांदनी चौक में एक यार्न मार्केट है जहाँ पे सिर्फ कपड़े वपड़ों काम चलता रहता है, ठीक। तो वो मार्केट में लोग कपड़े की ट्रेडिंग कर रहे हैं, IEX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये कपड़ों की नहीं इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स की ट्रेडिंग करते हैं, खरीदी बेची खरीदी बेची खरीदी बेची। ये इंडियाज बिगेस्ट और सबसे पहली कंपनी है टू डू दिस एंड हो सकता है ऑन अ डेली बेसिस वी विल नेवर हियर अबाउट दिस, बट इसका बहुत मेजर रोल होता है। अभी आप देखो इन द करंट सिचुएशन ना इट हैज़ क्लोज टू 95% ऑफ द मार्केट शेयर। मार्केट शेयर 95% का है ऑफ ट्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, सो क्लियरली डोमिनेंट है। बट दूसरी बात आती है कि हर्ष चलो मार्केट लीडर तो है बट क्या ये ट्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी क्या विल इट वर्क इन द फ्यूचर, क्या फ्यूचर में काम करेगा? अब इसका पूरा मार्केट एनालिसिस करते हैं और मार्केट एनालिसिस में ये है, अगर आप इंडस्ट्री देखोगे ना पूरा पावर मार्केट का सो ये आपको पूरा दिख रहा है, इंडिया इज ओनली 6% जबकि ये 30-80% इन डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप होती जाएगी विल दिस इंप्रूव? इट हैज टू इंप्रूव, इट हैज टू इंप्रूव। तो ये बहुत क्रिटिकल सेक्टर में बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। अब इनके जो फंडामेंटल्स देखते हैं ये है कि IEX has got a sales growth for the past 3 years of 11.2%, profit growth again मैं past 3 years का ले रहा हूँ of 19.6%, ROE is 46.2%, ROCE is 59.70%, PE is 74.2%। ये छोड़ो मैं सीधा आपको ग्राफ दिखाता हूँ, क्या आपको ग्राफ दिख रहा है? 5 साल हो गए ऑलमोस्ट इस कंपनी को लिस्ट हुए हुए, इस कंपनी ने रिटर्न दी है ऑफ 350% सिंस इट्स इंसेप्शन, इट इज क्रेजी। अब आते हैं सेकेंड मोनोपोली में एंड दिस इज ये आप हर रोज यूज करते हो, मैं आपको पहले हिंट दे रहा हूँ एंड दिस इज समथिंग जो आप हर रोज देख रहे हो बट आपको पता नहीं है कि ये वही कंपनी है। ये कंपनी है असाही ग्लास। यस, जब आप अपनी गाड़ियों में एकदम बॉटम देखना एक AIS ग्लास का लिखा होगा ब्लैक में थोड़ा सा प्रिंटेड होगा, वो AIS ग्लास क्या है? वो असाही ग्लास ही है। अब आप इनकी डोमिनेशन देखो, सबसे पहले करते क्या है, ये इंडियाज लीडिंग इंटीग्रेटेड ग्लास एंड विंडो सॉल्यूशंस ऑफ कंपनी है, ठीक है। ये ग्लास उनका विंडोज का सॉल्यूशन का पूरा काम है। तो इनका मेजर रोल ऑफ ऑपरेशन कहाँ आता है? सबसे पहले ऑटोमोटिव, शीशे चढ़ाते हैं, शीशे काम करते हैं, वैसे कोई चढ़ाता नहीं है, पावर विंडो ऊपर नीचे करते हैं समझ जाओ। अब आप देखोगे इनका ना इंडिया के ऑटोमोटिव पैसेंजर कार्स में कितना परसेंट मार्केट शेयर है? 70%। इसका मतलब यह है कि आउट ऑफ 4 कार्स ऑन इंडियन रोड्स
तीन गाड़ियों के शीशे इस कंपनी ने बनाए हैं एंड आई कैन बेट अपने गाड़ी में जब बैठोगे ना तो कोने में देखना आपको AIS ग्लास का लोगो जरूर दिखेगा। इनके कस्टमर्स कौन कौन है? इनके कस्टमर्स हैं मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, जो टॉप ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं इन आर कंट्री, सब इन कस्टमर्स हैं, प्लस महिंद्रा, टोयोटा, MG, रेनॉल्ट, तो डेफिनेटली अच्छी है। और एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये ना असाही ग्लास का जो पूरा ग्रुप है, इट इज बीन प्रमोटेड बाय अ जापानीज ग्रुप, और इनकी अगर वर्ल्ड वाइड रैंकिंग देखोगे तो ये जापानीज ग्रुप वर्ल्ड में 12% ग्लोबल मार्केट शेयर है इनका ऑन फ्लोटिंग ग्लास, 12% ग्लोबल मार्केट शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, एंड 30% ग्लोबल मार्केट शेयर है इन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, मैं ग्लोबल भी बात कर रहा हूँ। तो ये कंपनी डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों में मोनोपोलिस्टिक कंडीशन में आती है। अब इसके फंडामेंटल देखते हैं। सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years हैव बीन नेगेटिव, -2.76%। ये है क्यों? बिकॉज कोविड स्ट्राइक हुआ था, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई थी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में इशू हुआ था, सप्लाई चेन में इशू आ गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो गया था, तो ऑब्वियसली ग्लास का यूज केस कम होगा ही होगा, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ फॉर अगेन पास्ट 3 years वॉज -9.14%, ROE 9.71%, ROCE 11.30%, एंड PE इज 37.8। ये छोड़ो, सीधा ग्राफ देखो, ये ग्राफ देख रहे हो, आपको पता है 25 साल पहले कंपनी लिस्ट हुई थी, सिंस इट्स इंसेप्शन ये ग्राफ दिख रहा है कितने परसेंट रिटर्न आई है, पता है आपको? दिस हैज गिवन रिटर्न ऑफ वूपिंग 47,000%, 47,000% का रिटर्न है स्टॉक में। नेक्स्ट, अब मोनोपोली नंबर 3, और ये है जाइडस वेलनेस। अब हो सकता है कि दैट यू माइट नॉट नो द कंपनी, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, आप ये यूज कर रहे हो, और अगर किसी बनिया परिवार से हो तो देखो खानदान में डायबिटीज की प्रॉब्लम तो फिर है ही है, तो फिर आप इस कंपनी को जानते ही जानते हो। टाइप 2 एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, क्योंकि ये कंपनी ना ये कौन सी ब्रांड ओन करती है, शुगर फ्री कॉम्प्लान, शुगर फ्री जो हम सबके घर में रखा हुआ है, ग्लूकॉन डी, एवर यूथ, नाइसिल, देन शुगर लाइट, कॉम्प्लान एंड न्यूट्रलाइट, मतलब ये जो इतनी ज्यादा ह्यूजली पॉपुलर ब्रांड्स हैं ये सब जाइडस वेलनेस के नीचे आती है। ये इंडिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर वेलनेस कंपनी है। नाउ लेट मी शो द स्टैट्स की किस लेवल पर नौकरी करते हैं। जो शुगर फ्री है ना, जो शुगर फ्री के मार्केट में, इट हैज 96% मार्केट शेयर, दैट इज क्लियर। शुगर फ्री ना अब प्रोडक्ट नहीं रह गया है, शुगर फ्री अब हमारे मुंह पे चढ़ गया है एज अ वर्ड, कि यार शुगर फ्री का मतलब क्या है, कि मुझे जीरो कैलोरी स्वीटनेस चाहिए, दिस वाज शुगर फ्री इज। पहले आई रिमेंबर इक्वल वाज अ वेरी मेजर मार्केट प्लेयर, शुगर फ्री ना के सब खत्म कर दिया है फॉर श्योर, 96% मार्केट शेयर, इट्स क्रेजी। उसके बाद अब देखोगे ग्लूकोज में, ग्लूकॉन डी जो मैसिव है, इट हैज 58% ऑफ द मार्केट शेयर। ग्लूकोज में हम सब ग्लूकॉन डी के अलावा कुछ सोचते भी नहीं है, ना मुंह पे कुछ चीज चढ़ती है, सिर्फ ग्लूकॉन डी ही आता है, ठीक है। उसके बाद एवर यूथ स्क्रब हैज 39% ऑफ मार्केट शेयर, एवर यूथ पील ऑफ हैज 76% ऑफ द मार्केट शेयर। सो क्लियरली मोनोपोली अलग लेवल पे हो रही है। अब नाउ लेट्स लुक एट द कंपनीज फंडामेंटल्स। इनका सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years हैज बीन 53.8%, इनका प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years हैज बीन 23.70%, ROE has been 6.19%, ROCE is 6.46%, and PE is 34.4. Again, मैं देखो ग्राफ देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। ये रहा इसका ग्राफ, 12 साल हो गए since it's been listed, and it has given a return of 730%. Alex! Monopoly number 4 है HLE Glass Coat. Now again, ये ऐसी कंपनी होगी जिसको आप on a daily basis, आप इसके बारे में जानोगे नहीं। क्यों? बिकॉज दिस कंपनी इज अ लीडर इन फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग इक्विपमेंट एंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ग्लास लाइंड इक्विपमेंट, जो कि नीचे अंदर ग्लास लगा होता है, राइट? ये इक्विपमेंट आपको कहाँ चाहिए होता है? ये लैबोरेटरीज में चाहिए होता है। ये इक्विपमेंट आपको कैसा चाहिए होता है? ये फैक्ट्रीज में चाहिए होता है। फिल्ट्रेशन, ड्राइंग इक्विपमेंट, ये बहुत मेजर यूज केस है। हाँ, बट एज कंज्यूमर्स हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं उसके बारे में, विच इज अंडरस्टैंडेबल। अब आपको सीधा मार्केट शेयर बताता हूँ। इनका फिल्ट्रेशन और ड्राइंग इक्विपमेंट पे 60% का मार्केट शेयर है, डोमिनेंट प्लेयर, एंड ग्लास लाइंड इक्विपमेंट में 30% का मार्केट शेयर है। बेसिकली कॉम्पिटिटर का ग्राफ देख रहे हो, एक्चुअली ग्लास को कॉम्पिटिटर 1 जो आधा है, आधे से भी कम है, कॉम्पिटिटर 2 जो आधे से भी कम है, और आधा तो है ही नहीं। तो बेसिकली दिस इज द कंपनी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक्चुअली ग्लास को इतनी बड़ी कैसी हुई है? बिकॉज इट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ अनऑर्गेनिक ग्रोथ। क्या है? कीप अक्वायरिंग स्मॉलर बिजनेसेस, और इसलिए ये कंपनी इस सेल तक पहुंची है। लेट मी शो यू, आपको पता है कि कस्टमर्स कौन कौन है? इनके क्लाइंट्स हैं डीवी लैबोरेटरीज, सन फार्मा, अतुल, GSK, ठीक है, लॉरस लैब, आरती इंडस्ट्रीज एंड मेनी अदर्स। सो सम ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स जिनके शेयर्स में शायद हम इन्वेस्ट करते हैं, वो सब इनके क्लाइंट्स हैं। फंडामेंटली आप देखोगे, दे आर वेरी वेरी इंप्रेसिव। सेल्स ग्रोथ फॉर 3 years हैज बीन 63.4%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 3 years हैज बीन 115%, ROE is 41.40%, ROCE is 40.90%, and PE is 1.
24. आपको याद होगा एचडी ग्लास कोड का ना आईपीओ भी आया था. इट्स बीन नियरली वन ईयर सिंस इट्स इंसेप्शन और इसने आपको 180% तक की रिटर्न्स दी हैं. तो दिस इज अगेन अ क्रेजी इन्वेस्टमेंट. अब आते हैं मोनोपोली नंबर 5 पे जो है प्राज इंडस्ट्रीज. ठीक है, एंड अगेन ये प्राज इंडस्ट्रीज आई वुड डेफिनेटली से काफी कॉमन स्टॉक है बिकॉज मेरे वेबिनार्स में भी कोई ना कोई प्राज इंडस्ट्रीज का क्वेश्चन आता ही आता है, तो काफी कॉमन है. तो लेट मी टेल यू अबाउट प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. हुआ क्या था, इन्होंने एक एथेनॉल प्लांट से शुरू किया था. ठीक है, अब क्या है, इट इज अ ग्लोबल कंपनी प्रोवाइडिंग वेरियस सॉल्यूशंस फोकसिंग ऑन एनवायरमेंट एनर्जी एंड एग्री प्रोसेस इंडस्ट्री. इनके क्लाइंट्स आपको पता है कौन है, सिर्फ इंडिया में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम. तो क्लियरली ये बहुत बड़ा है. अब इनको छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये एक मोनोपोली बन रही है. इंडिया में दे हैव 60% ऑफ द मार्केट शेयर इन मैन्युफैक्चर ऑफ एथेनॉल प्लांट्स एंड मशीनरी. क्लियर मेजॉरिटी, और एथेनॉल का बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस होता है. ठीक है, इसके बाद ग्लोबल देखेंगे, इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है. वाई, बिकॉज इनका ग्लोबली 10% मार्केट शेयर एथेनॉल का प्राज इंडस्ट्रीज के पास ही है. सो क्लियरली अ वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट मोनोपोली. एथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, उसका यूज केस बहुत ज्यादा होता है. अब फंडामेंटल्स की बात करते हैं. सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स हैज बीन 12.50%. प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स हैज बीन 33%. आरओई हैज बीन 10.60%. आरओसीई हैज बीन 15.20%. एंड पीई हैज बीन 54.4%. अगेन सीधा ग्राफ पे उतरते हैं दोस्त. ग्राफ ये है, 25 साल पहले ये शेयर लिस्ट हुआ था. अब इट हैज गिवन अ वूपिंग रिटर्न्स ऑफ 55,000%. यस, 55,000% मेरे लिए जजमेंट. एंड यू माइट आस्क हर्ष मोनोपोली ठीक है, बट मुझे फंडामेंटली स्टॉक बताओ जो तुम्हें भी बड़े पसंद है. तो वो दोस्त वो वीडियो है इधर. यू विल लव वॉचिंग दिस वीडियो.